वंदित्तु सर्व सिद्धे धूमचल मनोभव गईं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणियम। महानुभाव समय सार ग्रंथ राज, आप सुन रहे हैं बंधाधिकार गाथा 265। जो अपनोद मन्नदी दुखिद सुहिदे करे मिसत्तेती सो मूढ़ो अन्नानी नानी एतोद विवरीदो। आचार्य देव कहते हैं कि यह आत्मनः तु मन्यते दुखित सुहितान करोमि सत्वानिति। जो मानते हैं कि मैं अपने से अन्य जीवों को दुखी और सुखी करता हूँ, सह मूढ़ः अज्ञानी ज्ञानी अतस्तु विपरीतः। वह मूढ़ है, अज्ञानी है और ज्ञानी इससे विपरीत है। यह है आचार्य श्री कुंदकुंददेव की गाथा, उनकी भाषा। अब इसमें हेतु दे रहे हैं श्री कुंदकुंददेव स्वयं। आपने पहले सुना है कि यह सब निश्चयने का कथन महामुनियों के लिए, निरुकल विधानी मुनियों के लिए, निरुकल विधान में पहुंचाने के लिए है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसका आप पद्यानुवाद सुनिए। मैं पर को सुखी दुखी करता जो जीव मानता है ऐसा, पर जीव मुझे सुख दुख देते जो अध्यवसाय करे ऐसा। वह मूढ़ आत्मा अज्ञानपने से मिथ्या दृष्टि कहलाता, ज्ञानी इससे विपरीत भाव कर सम्यक दृष्टि कहलाता। जो मानते हैं कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ ऐसा अध्यवसाय यानी परिणाम करते हैं, वह अज्ञानी हैं। अज्ञानपने से ही, मिथ्यात्व से ही ऐसा भाव करते हैं, यही यानी अहंकार करते हैं। ज्ञानी इससे विपरीत है क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। अब आगे आप देखिए हेतु देते हैं आचार्य देव। त्वं मणिमित्तं सव्ये दुखिद सुहिदा करन्ति यदि सत्ता कमम च न देशि तुमम दुखिद सुहिदा कहम कदाते। आचार्य देव कहते हैं गाथा 266। कम निमित्तम सव्ये दुखिद सुहिदा हवंति जदि सत्ता, कर्म निमित्तम सर्वे दुखित सुखिता भवंति यदि सत्वाः, कथम च न ददासित्वम कर्म च न ददासित्वम दुखित सुखिता कथम कृतास्ते। कर्म के निमित्त से ही सभी जीव दुखी अथवा सुखी होते हैं, और कर्म आप दे नहीं सकते तो आप दुखी सुखी कैसे किए। पद्यानुवाद गाथा 266। सब अपने अपने कर्म उदय से ही सुख दुख को पाते हैं, अपने सुख दुख फल के कारण वे सुखी दुखी कहलाते हैं। कर्मों का यह सिद्धांत अटल तू कर्म उन्हें नहीं दे सकता, तो हे भाई तू उन जीवों को सुखी दुखी कैसे करता। आगे कहते हैं 267 में, कम निमित्तम सव्ये दुखी दुसुखता हवंति जदि सत्ता कमम च न देशि तुमम कहम तम सुहृदो कदो तेसिम। कर्म निमित्तम सर्वे दुखित सुखिता भवन्ति सत्वाः कर्म च न ददासि त्वम कथम सुखिता कृतस्ते। कर्म के निमित्त से ही सभी दुखी सुखी होते हैं, और कर्म आप दे नहीं सकते तो आपने उन्हें सुखी कैसे किया। पद्यानुवाद, सब जीव स्वयं के कर्मोदय से सुखी दुखी होते रहते, वे जीव तुझे कर्मों के देने में सक्षम नहीं हो सकते, तो उनके द्वारा तू कैसे दुख रूप अवस्था पा सकता। व्यवहार भले ये कह दे ऐसा, पर निश्चय नहीं कह सकता। तो उसी प्रकार से गाथा 268, कमोदयन जीवा दुखित सुहिता हवंति जज सव्ये कमम चन देशी तुमम कहम तम दुहिदो कदो तेसिम। कर्मोदयन जीवाः दुखित सुखिता भवन्ति यदि सर्वे, यदि सभी जीव, ये नियम है कि कर्म के उदय से दुखी अथवा कर्म के उदय से सुखी होते हैं, और कर्म आप दे नहीं सकते तो आपने उन्हें दुखी कैसे किया। ये आचार्य देव के वाक्य हैं, अभिप्राय है। पद्यानुवाद, जब निज कर्मोदय से ही सब जीवों को सुख दुख मिलता है, वे तुझको कर्म न दे सकते, यही निष्कर्ष निकलता है।
तो उनके द्वारा तू अपने को कैसे सुखी बना सकता, अपनी आत्मा का सच्चा सुख शुद्धात्म ध्यान ही पा सकता। भव्यात्माओं, टीकाकार इसको बहुत सहज शब्दों में, सरल शब्दों में खुलासा करते हुए कहते हैं कि भव्यात्माओं, आप चिंतन करें, देखें, विचार करें कि कर्म के निमित्त से ही सभी जीव सुखी अथवा सुखी होते हैं, और कर्म आप दे नहीं सकते तो कैसे आप दुखी सुखी करेंगे। तो कहते हैं निर्विकल्प समाधे रभावे सती, ये सब निर्विकल्प समाधि का विषय है। निर्विकल्प समाधि में ऐसे विकल्प नहीं आते हैं। भगवान बाहुबली ध्यान में खड़े थे, लोग कह देते हैं शल्य कहीं कहीं आया है, लेकिन आदि पुराण के कर्ता श्री जिनसेन स्वामी ने उन्हें शल्य नहीं माना है। वो कहते हैं कि वो चूँकि निःशल्यो वृत्ति, वो वृत्ति थे, महावृत्ति थे, निःशल्य थे, उन्हें मनाप्रे ज्ञान प्रकट हो गया था। भावलिंगी महामुनि के ही मनाप्रे ज्ञान होता है। अनेक रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि, बल रिद्धि। एक वर्ष तक निर्विकल्प ध्यान में खड़े थे, किंतु सदा निर्विकल्प ध्यान नहीं होता था, कभी निर्विकल्प कभी सविकल्प, कभी निर्विकल्प कभी सविकल्प। पूर्ण निर्विकल्प ध्यान जिसको कहते हैं शुक्ल ध्यान, वो नहीं हो पाया। धर्म ध्यान में ही रहे, धर्म ध्यान में ही छठे सातवें गुण स्थान में चल रहे थे। भव्यात्माओं, आठवें में चढ़ते तो श्रेणी का श्रेणी में आरोहण करते, सातवें में भी दो पाए हैं, दो भेद हैं, एक तो स्वस्थान अप्रमत, दूसरा सात से अप्रमत। आप गोमरसार को पढ़ेंगे समझेंगे। एक है जो आज भी मुनियों के होता है स्वस्थान अप्रमत, सप्तम गुण स्थान, और दूसरा है सातिशय अप्रमत, जो होता है श्रेणी में आरोहण करने वाले मुनियों के लिए। उस सातिशय अप्रमत को प्राप्त करके मुनि श्रेणी में आरोहण कर जाते हैं। आज श्रेणी में आरोहण करने वाले मुनि नहीं है पंचम काल में। बाहुबली भगवान भी श्रेणी में आरोहण नहीं किए थे, तो उनके सविकल्प ध्यान था। तो निर्विकल्प समाधि का अभाव होने पर सुख दुख करोमि ऐसा विकल्प हो जाता है। जीव से अंतरंग पुण्य पापोदयो जाता है, अहम पुनः निमित्त मात्र में वह। जीव के अंतरंग में जो पुण्य और पाप का उदय है उसके निमित्त से वो सुखी दुखी होते हैं। मैं तो मात्र निमित्त बन जाता हूँ, निमित्त। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने तुझे बचाया था, मैंने तेरा उपकार किया। मैना सुंदरी का अपने पिता के साथ यही तो विवाद हुआ था। पिता ने कहा मैं तेरा पिता हूँ, तेरा राज घराने में मैं लालन पालन कर रहा हूँ, तू मेरी राज दुलारी कन्या, और तू कहती मेरा भाग्य मेरा भाग्य मेरा भाग्य। उसने कहा पिताजी, अगर मैंने पुण्य नहीं किया होता तो मैं किसी दरिद्र कुल में, किसी हीन कुल में न जाने कहाँ पैदा होती। आपके राजघराने में आपकी पुत्री होने का मुझे पुण्य कैसे मिलता, योग कैसे मिलता। मैंने पुण्य किया होगा, मेरे पुण्य से, मैं अपने पुण्य से राजपुत्री हुई हूँ। यही विवाद पिता और पुत्री का हो गया। पिता ने क्रोधित होकर के, अहंकार में चूर होकर के कुष्ठीपति के साथ उसका विवाह कर दिया। देखता हूँ तेरी भाग्य की परीक्षा करूँगा, और होता भी वही है। मैना सुंदरी शांत भाव से, यद्यपि माँ बहुत दुखी थी, रो रही थी, राजा से कह रही थी, हे राजन, हे पति देव, आप ये क्या कर रहे हैं, एक बालिका के साथ अन्याय, एक कन्या के साथ अन्याय। मैंने नहीं, मैं इसके भाग्य को देख, इसका भाग्य क्या है मैं देखना चाहता हूँ। मैना सुंदरी ने कुष्ठीपति को पाकर भी, हालांकि वो श्रीपाल राजपुत्र थे, किंतु वो भी अपने पाप कर्म के निमित्त से ही कुष्ठी हुए थे। तब गांव से, अपने शहर से निकल करके दर दर भटक रहे थे, वन वन में जाकर रह रहे थे। चूंकि इतनी दुर्गंधी थी,
शहर के लोग सहन नहीं कर सकते थे तो उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ रहा था। ऐसे महाराजा श्रीपाल, कामदेव जैसा सुंदर रूप था, कुष्ठ रोग हो गया। बहुत कथा प्रसिद्ध है, बहुत बार हमने सुनाई है, आपने सुनी है और आपको मालूम है। फल पायो मैना रानी, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन रात ठाठ से प्राणी, फल पायो मैना रानी। उसने सिद्ध चक्र विधान का अनुष्ठान किया गुरु की आज्ञा से और पति का कुष्ठ पलायमान हो गया। और भी जितने योद्धा थे सब स्वस्थ हो गए। तो भव्यात्माओं, ये पाप का उदय क्या था? पूर्व जन्म में राजा श्रीपाल ने पूर्व जन्म में एक मुनि को कह दिया था, उनके मलिन शरीर को देखकर, अरे कोढ़ी है कोढ़ी है कोढ़ी है, हंस दिए थे। सभी उनके साथी योद्धा भी हंस दिए थे, तो वो भी इस भव में कोढ़ी हुए। उनके सारे योद्धा इस भव में कोढ़ी हो गए, कुष्ठ रोगी हो गए। मुनियों का किया गया वचन से भी अपमान बहुत बड़े पाप कर्म का कारण बनता है। मुनियों के ऊपर किया गया कष्ट, मुनियों के प्रति कहे गए दुर्वचन अथवा मन से उनके प्रति की गई असाधना, उनके प्रति दुर्भाव अथवा शरीर से उन्हें दिया गया कष्ट भवों में दुखकारी होता है, जन्म जन्म में दुखकारी होता है। अधिकतम देखा गया है आज भी मुनि निंदा करने वाले प्रायः कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाते हैं, गुरुओं की निंदा करने वाले कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाते हैं। कई एक उदाहरण आचार्य श्री शांतिसार महाराज के समय के हैं। किसी ने कह दिया था, विद्वान ने, श्रेष्ठ ने मंदिर में तखत पर उन्हें बिठा दिया, किसी ने ले जाकर बैठे थे, बोले उतरे उतरिए नीचे, आप ऊपर क्यों बैठ गए, मंदिर में तखत पर क्यों बैठ गए? आचार्य श्री शांतिसार महाराज उतर कर नीचे बैठ गए, पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने बुरा नहीं माना, लेकिन वो कुछ ही दिन बाद उनके कुष्ठ रोग, भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। मैंने भी उन्हें देखा है, मुझे तब इंद्रलाल पंडित जी ने बताया कि माता जी, ये वो है व्यक्ति जिसने आचार्य शांतिसार महाराज को तिरस्कृत किया था, कटु शब्दों में उन्हें तखत से नीचे उतारा था और आज अनेक प्रकार के कुष्ठ रोग से ग्रसित है और इसका कोई इलाज सफल नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। तो भव्यात्माओं, आप कभी स्वप्न में भी मुनियों की निंदा न करें। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, किसी को कटु वचन ना बोले, मर्मच्छेदी वचन ना बोले, किसी पर उपसर्ग ना करें आदि। तो यहाँ तो ये विषय है श्री कुंद कुंद देव का कि कर्म के उदय से जीव सुखी अथवा दुखी होते हैं। तो आप कर्म दे नहीं सकते तो सुखी दुखी कैसे किया? फिर भी सुखी करने में निमित्त बनना चाहिए, पुरुषार्थ से, प्रयास से सभी को सुख प्राप्त हो ऐसी भावना और उस प्रकार से उसका उपकार करने का प्रयास करना ही चाहिए, ये कर्तव्य है। मरते हुए मरणासन्न कुत्ते को, एक पामर प्राणी को, पामर समझ लीजिए कि पशु को, तिर्यंच को, ऐसे निंद हीन तिर्यंच को भी जीवंधर कुमार ने प्यार से रमोकार मंत्र सुना दिया, उपकार की भावना, उसे सुखी करने की भावना, उसे दुख से निकालने की भावना। वो मर करके अच्छेंद्र हो गया, देव हो गया और उसने जीवन में कई बार जीवंधर कुमार पर आए हुए संकट के समय रक्षा की है। आप छत्र चूड़ामणि महाकाव्य गद्य चिंतामणि पढ़ें, जीवंधर चंपू, जीवंधर स्वामी का कथानक बड़ा ही सुंदर है, रोमांचकारी है। तो भव्यात्माओं, निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो, निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददात किंचन। अपने द्वारा उपार्जित कर्म, भव्यात्माओं, निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो, अमित गति आचार्य ने कहा है कि अपने द्वारा संचित जो कर्म है उनको छोड़कर ये प्राणी, इस प्राणी को न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन, कोई भी किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, सुख अथवा दुख। विचार यन्नेव मनन्यमानसः परो ददातीति विमुञ्च सेवसि,
ऐसा विचार करते हुए एकाग्र मना होकर आप चिंतन करें कि पर ने मुझे दुख नहीं दिया। अगर कोई आपका अपकार कर रहा है, आपके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो आप उसके प्रति क्रोध ना करें। और क्रोध ना करने के लिए क्षमा भाव धारण करने के लिए यही भावना, इसी का नाम सामायिक है, समता भाव है। तो भव्यात्माओं, ये परमोपेक्षा संयम, परम सामायिक चारित्र महामुनियों के होता है, लेकिन श्रावक भी अंशात्मक भावना तो भाते ही हैं। नहीं भाएंगे तो उनके जीवन में शांति नहीं आ सकती, उनके जीवन में हमेशा क्लेश रहेगा, दुख रहेगा, प्रतिशोध की भावना रहेगी। भव्यात्माओं, जैन धर्म के अनुसार प्रतिशोध की भावना भावों में दुखकारी है। आप इसके ऊपर महामुनि सुकमाल का जीवन चरित्र पढ़े, भौजाई ने, भावज ने प्रतिशोध की भावना भाई तो मरकर के श्रृगालनी हुई और सुकमाल महामुनि के पैर को भक्षण करती रही, और महामुनि धैर्य को धारण करके निर्विकल विधान में स्थित हो गए, उपसर्ग को सहन किया और स्वर्ग में पहुँचे, आगे मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो भव्यात्माओं, ये समय सार आपको तत्व का बोध कराता है, आपको आत्मा का बोध कराता है, आपको वस्तु स्थिति को बताने वाला है, ऐसा समझ करके चिंतन करते हुए आप परोपकार की भावना तो भाएं, लेकिन आपके प्रति किसने क्या है उसको भूल करके, आपके प्रति कोई असद व्यवहार दुर्व्यवहार कर रहा है उसका चिंतन न करते हुए उसके प्रति क्षमा भाव धारण करें। यहाँ ये मुख्य रूप से अभिप्राय है। और निर्विकल विधान को प्राप्त करने की भावना भाते रहें। निर्विकल विधान कब प्राप्त होगा ऐसा चिंतन करते हुए अपने जीवन में समय सार को साकार करें। यही प्रेरणा और मंगल